Hello friend, welcome to my YouTube channel Elite Nursing Academy. Friend, ये colostomy का part 2 है. Part 1 मैंने इससे पहले upload किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख ले. तो चलिए friend, start करते हैं colostomy part 2. तो इसमें हम देखते हैं diet modification in colostomy. तो first 24 hour जो patient को diet दी जाती है, वो IV therapy दी जाती है. उसके बाद में next 24 टू 48 आवर के बाद में उसे लिक्विड या हाई फाइबर दी जाती है. उसके बाद में 72 आवर के बाद में उसे नॉर्मल डाइट दी जाती है. यानी कोलोस्टोमी पेशेंट को अपन नॉर्मल डाइट पे लेकर आ सकते हैं, लेकिन 72 आवर के बाद में. लेकिन फ्रेंड, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें याद रखने लायक है वो ये है कि डाइट मॉडिफिकेशन देने से पहले उसके बाउल साउंड को चेक करना चाहिए. अगर हम बाउल साउंड को चेक किए बिना ही पेशेंट को डाइट दे देंगे तो ये फर्दर कॉम्प्लिकेशन को लीड कर सकता है. If bowel sound are not present after 72 hour, that is abnormal finding, nursing action, inform to doctor. यानी कि 72 hour के बाद में अगर bowel sound present नहीं होता है तो nurse का action क्या होगा, doctor को inform करना है तुरंत. Bowel sound should be checked in all quadrant, यानी abdomen के जो all quadrant है वहाँ से bowel sound को check करना चाहिए. Next question जो होता है colostomy के अंदर वो ये है कि what is the accurate site where bowel sound are checked by nurse. तो आंसर है फ्रेंड, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड इलियोसिकल रीजन. ड्यूरेशन ऑफ बाउल साउंड, ड्यूरेशन क्या होता है नॉर्मल बाउल साउंड का, 5 मिनट, 5 से 15 मिनट भी मान सकते हैं फ्रेंड, लेकिन अगर एक्यूरेट पूछा जाता है तो 5 मिनट. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कोलोस्टोमी के अंदर वो ये है डेप्थ ऑफ कोलोस्टोमी कैथेटर इंसर्शन. यानी स्टोमा के अंदर जो कैथेटर इंसर्शन किया जाता है कोलोस्टोमी वाले पेशेंट में, वो उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए फ्रेंड, 3 to 4 इंच या फिर 7.5 सेंटीमीटर to 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है फ्रेंड ये कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ कोलोस्टोमी इरीगेशन. यानी कोलोस्टोमी के इरिगेशन करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है फ्रेंड, 2 to 3 आवर आफ्टर ईटिंग, यानी खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद. ये बेस्ट टाइम क्यों होता है फ्रेंड, कि खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद में जो खाना होता है वो ड्यूडोनम के अंदर आ जाता है. कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी इरिगेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि कोलोस्टोमी इरिगेशन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, देन ब्लीडिंग. मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड कि कोलोस्टोमी इरिगेशन के बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. तो जो ओवरऑल जो आंसर आता है ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है उसके अंदर जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो आंसर बनता है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस. नेक्स्ट है कोलोस्टोमी इरिगेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट भाग है कोलोस्टोमी का. तो सबसे पहले हमें करना चाहिए फ्लश द कोलोस्टोमी, यानी फ्लश करना चाहिए कोलोस्टोमी को. कोलोस्टोमी को फ्लश करने का ये बेनिफिट होता है फ्रेंड कि जो फाउल स्मेल आ रही होती है स्टोमा से, उससे हमें रोका जा सके. नेक्स्ट है कोलोस्टोमी इरिगेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए फ्रेंड, कोलोस्टोमी इरिगेशन जो होती है वो सर्जरी के 7 डे के बाद में स्टार्ट करना चाहिए. इसका एक मेन मोटिव ये होता है कि जो स्टोमा होता है उसको हीलिंग का टाइम मिल जाता है 7 डे के अंदर. अगर हम 7 डे से पहले कोलोस्टोमी इरिगेशन करेंगे तो स्टोमा में इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट है कि कोलोस्टोमी इरिगेशन करने के दौरान पेशेंट को कौन सी पोजिशन देनी चाहिए. तो इसका आंसर है फ्रेंड सिटिंग पोजिशन. सिटिंग पोजिशन जो कि एक सूटेबल पोजिशन होती है कोलोस्टोमी इरिगेशन करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कोलोस्टोमी में वो सॉल्यूशन कौन सा यूज होना चाहिए कोलोस्टोमी इरिगेशन के दौरान. तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है नॉर्मल टेप वाटर. अगर नॉर्मल टेप वाटर ऑप्शन में ना हो तो आप सेकंड प्रायोरिटी पे जा सकते हैं नॉर्मल सनाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कोलोस्टोमी के जो अमाउंट जो होता है ना सोल्यूशन का, उसकी क्वान्टिटी कितनी होनी चाहिए फ्रेंड, 500 to 1000 ml, यानी 500 से 1000 ml इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है कि आईवी स्टैंड की हाइट कितनी होनी चाहिए कोलोस्टोमी इरिगेशन के दौरान. तो हाइट कितनी होनी चाहिए फ्रेंड, 12 to 18 इंच, यानी 30 से 45 सेंटीमीटर हम मांग सकते हैं. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन. कोलोस्टोमी इरीगेशन करने के दौरान जो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 2 to 3 times in a day, यानी एक दिन में हमें 2 से 3 बार के अंदर अंदर हमें कोलोस्टोमी इरिगेशन करना चाहिए. नेक्स्ट जो लास्ट जो है पॉइंट फ्रेंड कोलोस्टोमी के अंदर वो ये है कि कौन कौन से इक्विपमेंट, जो एसेप्टिक इक्विपमेंट हम कोलोस्टोमी इरिगेशन में ले सकते हैं. तो ग्लव्स, मास्क, गाउन, गोगल्स एंड कैप्स. थैंक यू.